देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब जाकर मेरा हृदय तृप्त हुआ श्री लक्ष्मी। अब मैं निश्चिंत रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग लोक में प्रवेश करूंगी और उसके बाद देखो श्री लक्ष्मी, देखो तुम्हारी कैसी अवस्था करती हूँ मैं। प्रणाम हे देवाधिदेव। प्रणाम प्रजापति, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मन आज बहुत विचलित है हे देवाधिदेव, लग रहा है स्वर्ग लोक में कोई विपदा आने वाली है, इसीलिए मैं शीघ्र आपके पास आया। आप सही कह रहे हैं प्रजापति, मुझे भी एक अशुभ संकेत मिल रहा है। लक्ष्मी एवं नारायण दोनों ही अनुपस्थित हैं। हमें सतर्क रहना होगा हे प्रजापति। तो फिर श्री लक्ष्मी को पुनः लौटना होगा। वो संभव नहीं होगा हे प्रजापति। प्रायश्चित की प्रतिज्ञा ली है श्री लक्ष्मी ने। प्रायश्चित की समय सीमा समाप्त ना होने तक श्री लक्ष्मी नहीं लौट सकती हैं। अब उपाय? अमंगल का जो साया मंडरा रहा है उससे स्वर्गलोक की रक्षा कैसे होगी देवाधिदेव? मंगलमय देवी अभी पृथ्वी लोक में है, अर्थात स्वर्गलोक असुरक्षित है। कुछ अमंगल हो सकता है स्वर्गलोक में हे प्रजापति। आज मैं मुक्त हुई जरती, आज मैं मुक्त हुई। कहा था ना तुमसे जरती, कहा था ना। मुझे जितना कष्ट सहना पड़ा है श्री लक्ष्मी को भी उतना कष्ट सहना पड़ेगा। जरती, आज मैंने अपने नेत्रों से देखा श्री लक्ष्मी मनुष्य के गृह में दासी बनकर है। जरती दासी बनकर है। किंतु देवी आपको अचरज नहीं हो रहा है? श्री लक्ष्मी स्व इच्छा से दासी ना बनना चाहे तो कोई उनसे यह कार्य नहीं करवा सकता, और स्वयं नारायण भी अभी पृथ्वी लोक पर ही है। निश्चित वो अपने किसी भक्त की रक्षा कर रही है। अभी तो श्री लक्ष्मी केवल अपनी महिमा का प्रचार करने में उत्सुक है। अभी ये सब सोचकर समय नष्ट नहीं कर सकती, अपितु तुम एक काम करो, समाचार लो स्वर्गलोक का, क्या हो रहा है वहां।
लक्ष्मी नारायण के अनुपस्थिति का अवसर लेकर हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, तुम उसी का पता लगाओ जरते। जो आज्ञा देवी, मैं अभी अप्सरा का रूप धारण करके उनसे स्वर्ग लोक का समाचार लेने का प्रयास करती हूँ। किंतु अप्सरा तो इंद्रलोक में रहती हैं। तुम वहाँ कैसे प्रवेश करोगी जरती? नहीं नहीं देवी, सभी अप्सराएं पृथ्वी के चंद्रलोक में स्नान करने आती हैं। उसी समय मैं मायावल से अप्सरा का रूप धारण करके उनके सामने जाऊंगी। उसके बाद छल से उनसे स्वर्ग के समाचार जान लूंगी। और समाचार लाने में मैं तो श्रेष्ठ हूँ देवी। कहाँ कहाँ गई महारानी? कहाँ मर गई ये महारानी? हैं? कितने समय बाद मेरी बेटी अपने घर आ रही है। किसी को कोई चिंता नहीं, मेरे दामाद और नाती आकर खाना खाने वाले हैं। कितनी दूर से वो लोग यहाँ आ रहे हैं, पर किसी को कोई चिंता है यहाँ पर? कब से ढूंढ रही थी, कहाँ चली गई थी? सब हो रहा है माँ। हो रहा है मतलब हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अभी तक कर क्या रही थी? ओ समझी, हमेशा बस ब्राह्मण बहू क्या कर रही होगी, उसकी पीड़ा कैसे दूर होगी। इस सब के अलावा कुछ सोचने का वक्त मिलेगा तब तो सोचेगी, सासू माँ क्या कर रही है, ननंद क्या खाएगी, ननंद के लिए क्या बनाना है। इस सब के लिए समय कहाँ है तेरे पास? मन कर रहा है मार मार के चमड़ी उधेड़ दूँ तेरी। माँ आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं, मैं सब कुछ जल्दी कर लूंगी, आप निश्चिंत रहिए माँ। और कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे आते ही सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। और सोनपुरी के साथ खीर बनाना, मेरे दामाद को बहुत पसंद है। मैं नहाने जा रही हूँ, जा लोटा और गमछा रख दे वहाँ पर, जा। ये लीजिए माँ। बार 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 बोलकर भी एक काम नहीं होता, निकम्मी कहीं की। और हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आते ही सारा खाना तैयार हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो गर्दन पकड़कर इस घर से तुझे बाहर निकाल दूंगी। और मेरे बेटे के लिए दूसरी बहू लेकर आ जाऊंगी, दोबारा शादी करवा दूंगी अपने बेटे की। अब क्या करेगी तू? अब खाना बनाऊंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, माँ ने अगर सच में शादी करा दी तो तब क्या होगा हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और तू तो जानती है माँ जो बोलती है वही करती है। तब क्या होगा, तुझे निकाल दिया तो हा? अच्छा ही होगा, आपकी दूसरी शादी होगी, नई बहू आएगी। तुझे हंसी आ रही है, बहुत मजा आ रहा है ना तुझे है? देखना जब सच में ऐसा होगा ना तब समझ आएगा तुझे, समझी? सौतन के साथ घर बसाना। अरे कहाँ जा रही है, मेरी बात तो सुन, सुन जरा। तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा मंजुरी, तुम दोनों जुगल में बहुत खुश रहोगे, यही आशीर्वाद दिया। सुनना, तू रह पाएगी मेरे बिना? पीड़ा नहीं होगी मुझसे दूर रह के? तू रोएगी नहीं क्या मेरे लिए? दिन भर केवल भगवान को पुकारेगी, कहेगी भगवान ये क्या किया आपने मेरे साथ, सौतन दिला दी मुझे, क्या हुआ तुझे, सांप सूंघ गया है क्या?
बात नहीं करेगी मुझसे। अरे हट पगली, तुझे सच में लगा मैं दूसरी शादी करूंगा? माँ माँ चाहे कुछ भी बोले, मैं दोबारा भूल नहीं करूंगा। किंतु हाँ, तू अगर मुझसे बात नहीं करेगी तो संभवतः दुखी होके मैं वैरागी बन सकता हूँ। और सोन पूरी के साथ खीर बनाना, मेरे दामाद को बहुत पसंद है। ये क्या? अरे ये क्या किया तूने? अब हम खीर के लिए दूध कहाँ से लाएं? ने पुनः खोका को बुलाया है रसोई में, दिन भर पति के साथ बात करती रहती है। कोई लाज लज्जा है ही नहीं, बिल्कुल निर्लज है ये। इसी कारण से काम में देरी हो जाती है। बताती हूँ, आज इसे ठीक कर दूंगी। अगर खाना नहीं बना होगा तो इसी समय इस अभागन को विदा कर दूंगी। अभी जाइए यहाँ से, माँ भी नहा कर आ जाएंगी। आके अगर देखा आप यहाँ है, सर्वनाश हो जाएगा। जाइए अभी। क्या कर रही है निर्लज की तरह? काम धाम छोड़ के सुबह सुबह स्वामी के साथ रासलीला रचा रही है क्या? चल क्या रहा है यहाँ पर? खीर बनी कि नहीं? और क्या क्या बनाया है, क्या बनाया है? माँ माँ, आप मुझे काट डालिए माँ, मैंने भूल की है, अन्याय किया है मैंने। आपको जो दंड देना है दीजिए, केवल केवल मुझे इस घर से मत निकालिए माँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ माँ, इस घर से मुझे मत निकालिए। इसका मतलब तूने खीर नहीं बनाई। तो और क्या क्या बनाया है दिखा? हे hey,
माँ लक्ष्मी, माँ रक्षा कीजिए माँ। जिस घर में तेरा अंतिम दिन है, ना कुछ काम किया है ना तुझे कोई काम आता है, तो तुझे क्यों रखूंगी मैं अपने घर में? हाँ, विदा कर दूंगी आज तुझे। रक्षा कीजिए माँ, मेरी सासू माँ का क्रोध शांत कर दीजिए माँ। इतने समय में इतना सब कुछ बना लिया, कोई जादू टोना सीखा है क्या? हाँ? ठाकुराई, आप तो बहुरानी को खाना बनाने की आज्ञा देकर चली गई। यदि वो खाना नहीं बना पाती तब तो आप आज उसे निकाल देती। तब वो कहां जाती बताइए? ठाकुराइन, आपकी बहुरानी गृह की लक्ष्मी है, और गृह लक्ष्मियां जब मन से चाहती हैं, वो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। उसके लिए तंत्र मंत्र नहीं लगता। ठीक है, तुझे इसका पक्ष लेने के लिए किसी ने नहीं बोला। तू जाकर अपना काम कर, दासी है दासी बनकर ही रहे, ज्यादा जबान मत लड़ा, समझी? वैसे भी ज्यादा बातें करने वाले मुझे पसंद नहीं है। ठाकुराइन, दासी हूँ तो क्या हुआ? क्या मेरा विवेक नहीं है? और वैसे भी आज जो दासी कल वो देवी, भविष्य की बात किसे पता होती है?
तूने सच में कोई मंत्र सीख लिया है क्या? इतना कुछ बना कैसे? ये सब कुछ माँ की कृपा है। मैं तो केवल मन में माँ का ही नाम ले रही थी, उन्होंने ही रक्षा की है। माँ लक्ष्मी के व्रत की महिमा अपार है, ये बात आज मैं स्पष्ट समझ गई हूँ। एक दिन इस घर में माँ लक्ष्मी व्रत अवश्य करूंगी। सासू माँ, नंद, सब लोग उस दिन व्रत करेंगे, आप देखना। अरे किसका नाम ले रही है? माँ अगर इस जन्म में तेरी बात मान भी ले, दीदी हजारों जन्म भी ले ले, तब भी तेरी बात नहीं मानेगी। अरे दीदी माँ से भी भयंकर है। जी जी, ऐसी बातें नहीं करते, दीदी आपसे बड़ी हैं। और वो कितने दिनों के बाद अपने घर में आ रही हैं? मंजुरी, एक दिन तुम अपनी लक्ष्मी श्री द्वारा अपनी सास एवं ननद के हृदय में लक्ष्मी श्री उत्पन्न करोगी, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाओगी, तुम्हारी ही विजय होगी। अरे बसंती, इतनी सुबह सुबह तुम क्यों चीखना चिल्लाना कर रही हो? आप चुप रहिए। माँ, ओ माँ। अरे ओ बसंती, बसंती मेरी, बसंती कैसी है तू? कितने दिनों बाद तुझे देखने को मिला। अरे मेरा बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो राजा बेटा, खुश रहो। आ जाओ 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 मेरे पास आ जाओ, कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे मेरा। देखकर लग रहा है काफी देर से कुछ खाया नहीं है, हैं? कुछ खिलाया नहीं क्या इसे? अरे ओ आनंद, जा जा इसे ले जाओ और इसे अंदर ले जाकर इस कुछ खिला दे जा। दामाद जी, रास्ते में कोई असुविधा तो नहीं हुई ना? रहने दो माँ, और दिखावा मत करो। बोला था ना कि मैं आऊंगी, समाचार भी भेजा था, तो कोई वाहन नहीं भेज सकती थी क्या? इतना रास्ता मुझे चल के आना पड़ा, दोनों पैर कीचड़ से भर गए हैं। छी छी, अरे मेरी बेटी के सुंदर पैरों की ऐसी अवस्था हो गई है। सब कुछ आपकी वजह से। कितनी बार कहा था कि एक वाहन भेज दो, लेकिन एक काम नहीं हो पाता आपसे। अरे ओ महारानी, जल्दी यहाँ। अच्छा माँ, आपकी बहुरानी कहाँ है? हम आए हैं और हमसे जल भी नहीं पूछा। इतने समय बाद ननद आई है, तो क्या काम करने के भय से अंदर छिप गई महारानी? साले साहब, जाइए अपनी दीदी को संभालिए। उसकी तो बात ही मत कर, काम चोरी के अलावा आता ही क्या है उस मनुष्य को। अरे गई कहाँ ये अभागन लड़की? अरे कहाँ है मनहूस पापी, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। अरे कहाँ रह गई, बाहर आ। अपनी ननंद के पैरों में कीचड़ लगाए धो जल्दी से। अरे कहाँ चली गई, मर गई क्या? अच्छा मनहूस लड़की, आइए आ जाइए। अच्छे से धो देना भाभी, इधर इधर इस तरफ। हाँ हाँ इधर। Thank you.
क्या वो आपकी मोगरा चुराने वाली दासी? मैंने कितनी बार कहा था तुमसे, केवल काम मत कराओ, दंड भी दो, किंतु मेरी सुनी नहीं। देख के तो अच्छे घर की बहू लग रही है ये। ऋण नहीं दे पाएगी? दूंगी ठाकुराइन। जाने से पहले मैं आपका समस्त ऋण चुका कर ही जाऊंगी, वचन दिया। यहाँ से जाने से पहले तुम सबको धन के मार्ग पर लाऊंगी, तभी तो मंजूरी की इच्छा पूर्ण होगी। तुम सबके हृदय में इतनी काली माँ है, इतनी श्रीहीन हो तुम सब, यहाँ लक्ष्मी श्री उत्पन्न करना इतना सहज नहीं है, किंतु मैं जानती हूँ मेरी वो भक्त मंजूरी असाध्य को साध्य कर देगी।